आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सपा से आगरा दक्षिण प्रत्याशी विनय अग्रवाल का विभिन्न मोहल्लों और कॉलोनियों में जनसंपर्क जारी है। मंगलवार को विनय ने पार्टी के शहर अध्यक्ष चौधरी बाजी निसार के साथ नाइकी मंडी, नगला चून, पचान मोहल्ले में जनसंपर्क कर पार्टी की जीत के लिए वोट मांगे। सपा से आगरा दक्षिण प्रत्याशी विनय अग्रवाल के दक्षिण क्षेत्र में तूफानी जनसंपर्क जारी है। विनय अग्रवाल क्षेत्र में सर्वांगीण विकास के नाम पर मतदाताओं से मतदान वाले दिन सपा को वोट देने की अपील कर रहे हैं। मंगलवार को विनय अग्रवाल ने नाइकी मंडी में चुनावी दौरे के दौरान सपा सरकार के दौरान ताजनगरी में हुए विकास कार्यों को बताते हुए कहा कि वो क्षेत्र में विकास और जनसेवा के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। कहना तो जनता कह रही है कि माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार आ रही है, दक्षिण विधानसभा पे साइकिल चल रही है, जनता चीख चीख के कह रही है। अब तो चुनाव एक तरफा हो चुका है और हमें तो अपनी जनता के बीच में लोगों को ये बताना है कि माननीय अखिलेश यादव जी विकास की सोच रखते हैं, विकास पुरुष के रूप में उनको ख्याति प्राप्त है और भारतीय जनता पार्टी में खलबली मच गई है। सब लोग अब जमीन पर आ गए हैं, थूक लगा के पैम्पलेट बांट रहे हैं। कोरोना काल में ऐसी स्थितियाँ पैदा हो गई हैं, लोग घबरा गए हैं, तो अब तो सैलाब रुकने का नाम नहीं ले रहा। नाइकी मंडी क्षेत्र में जनसंपर्क कार्यक्रम में शामिल पार्टी के शहर अध्यक्ष चौधरी बाजी निसार ने कहा कि विनय को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आगरा दक्षिण से प्रत्याशी बनाया है, उन्हें हर वर्ग हर जाति के लोगों का समर्थन मिल रहा है। देखिए, जिस तरीके से आप देख रहे हैं, जहाँ जहाँ जिस कॉलोनी बस्तियों में हम लोग जा रहे हैं, जनता का हुजूम स्वागत सत्कार सम्मान देने का काम कर रहा है। ये सब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्यार है जो जनता उनको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है और वो मुख्यमंत्री जब बनेंगे, जब हम एक एक विधायक जिताकर उनके हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। जनता उसको वोट देना चाहती है जो इस प्रदेश में सरकार बना रहे हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बन रहे हैं, ये चुनाव जनता लड़ रही है, क्योंकि कोरोना काल से लेकर जिस तरीके से पब्लिक की बिल्कुल बेकदरी की गई इस सरकार में, जनता गुस्से में इनके खिलाफ वोट करेगी और भाजपा को खदेड़ा करने का काम करेगी। आप देख रहे होंगे कि हम जिस इलाके में खड़े हैं, इस इलाके को हमेशा लोग बदनाम करते हैं कि भाई मुसलमान जो है ना हिंदुओं को सपोर्ट नहीं करते हैं। हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि अखिलेश जी जो ये सरकार लाना चाहते हैं, वो भाईचारे की सरकार लाना चाहते हैं, वो मोहब्बत की सरकार लाना चाहते हैं। जब मोहब्बत बढ़ेगी, समाज मजबूत होगा, विकास होगा और लोगों की परेशानी दूर होगी, तो इसी मकसद से हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और हम लोग सब अपने भाइयों से दरख्वास्त करते हैं कि भाई विनय अग्रवाल जी को मजबूत बनाए ताकि अखिलेश जी की सरकार लखनऊ में बने, और जब उनकी सरकार बनेगी तो जो हमारे स्टेट में माहौल है कि लोगों को परेशान किया जाता है और अपने लोगों को खास करके कभी NSA लगा देते हैं, कभी UAPA लगा देते हैं, तो हम लोग यही कहना चाहते हैं कि जब हिंदू मुस्लिम एक हो जाएंगे तो ऐसे शैतानों को हम लोगों को बाहर कर देना है। मुस्लिम बाहुल्य नाइकी मंडी क्षेत्र में लोगों ने विनय का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। जनसंपर्क में विनय के साथ सपा के तमाम कार्यकर्ता भी शामिल हुए। अजय बहादुर, सी न्यूज आगरा।